हाय गाइस, अगर आपको मिट्टी के खिलौने बनाना है और अगर आपने इससे पहले कभी मिट्टी के खिलौने नहीं बनाए हैं तो वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही अगर आप इन खिलौनों में रियल कुकिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए लर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको फर्क ही दिखा देती हूँ कि सही मिट्टी से खिलौने बनाने पर वे क्रैक नहीं होते, जबकि ये देखिए मिट्टी सही ना होने की वजह से खिलौने बुरी तरह से फट जाते हैं। इसलिए देखिए मैंने दो अलग तरह की मिट्टी से एक जैसे खिलौने बनाए हैं ताकि आप सबको साफ साफ फर्क दिखे। ये खिलौने मैंने जानबूझकर बनाए हैं ताकि ये क्रैक हो और मैं आपको इनमें अंतर बता सकूँ। देखिए ये कुकर है जिसमें से एक बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डिनरी मिट्टी से बना है जो कि फट गया है, जिसमें कि मैंने कुछ नहीं मिलाया था, सिर्फ मिट्टी ही थी। और एक दूसरा है जो कि हल्का सा लाल कलर का आपको दिख रहा होगा, इतना चिकना और सुंदर बना है और डिज़ाइन बनाने के बाद भी बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुआ है। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ये मैजिकल क्ले कैसे बनाई जाती है जिससे बिल्कुल नहीं क्रैक होगी, बिल्कुल चिकने और सुंदर सुंदर खिलौने आपके बनेंगे और पकने के बाद भी बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे तो गाइस आप इन क्रैक खिलौनों को रिपेयर भी कर सकते हैं, इसकी भी मैंने वीडियो अलग से सेपरेट बना रखी है अपने चैनल पर। आप ऊपर जो ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये देखिए ये एक डिश है। एक और बात गाइस, मैं जो आपको ये क्ले बनाने का तरीका बताने वाली हूँ उस मिट्टी से खिलौने सूखने के बाद बिल्कुल भी टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, ऊबड़ खाबड़ नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि मिट्टी खिलौने जब गीले होते हैं तब तो अच्छे सुंदर दिखते हैं, बट सूखने के बाद वो कहीं कहीं से अंदर की तरफ धस जाते हैं, ऊंचे नीचे हो जाते हैं। तो इस टेंशन से भी आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। तो इसका सॉल्यूशन भी गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं जो तरीका बताऊंगी आपको मिट्टी बनाने का, उसके साथ खिलौने बनाने पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये खिलौने कलर करने के बाद भी सुंदर लगते हैं और पकाने के बाद भी सुंदर लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल सादी मिट्टी ली है जो कि मेरे घर के बाहर ही थी। आप अपने आसपास मिलने वाली कोई सी भी मिट्टी ले सकते हैं, ये भूरी मिट्टी है, आप पीली मिट्टी या काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कोई सी भी मिट्टी ले सकते हैं। ये राख है जो कि लकड़ी के चूल्हे में आसानी से आपको मिल जाएगी। ये आपके पास ना हो तो इसकी जगह आप चूना जो कि बिना भूजा चूना होना चाहिए वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा लाल मिट्टी, एक कोलगेट डिस्टेंबर जो कि घरों में हम पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो आपको लेना है। इन सारी चीज़ों के बेनिफिट्स मैं आपको आगे वीडियो में जब जब इनका यूज़ करेंगे तो मैं बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले मिट्टी को एक उंडे बर्तन में डाल लेंगे जिससे कि बाकी चीज़ें हम इसमें अच्छे से मिक्स कर सकें और पानी डालने पर भी वो अच्छे से मिक्स हो जाए। सबसे पहले लाल मिट्टी, लाल मिट्टी यहाँ हम सिर्फ कलर के लिए डाल रहे हैं ताकि अच्छा लाल कलर उभर कर आए। दूसरा, ये मिट्टी डेंस होती है जिससे कि खिलौने सूखने के बाद टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। मिट्टी के बर्तन सूखने के बाद टेढ़े मेढ़े ना हो इसके लिए आप एक सॉल्यूशन और मैं आपको बता देती हूँ। आप बिल्कुल बारीक छनी हुई बालू रेती जो कि घर बनाने में इस्तेमाल होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा गाइस एंड पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपने एक बार ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ों की क्वांटिटी भी बताती जाऊंगी। हमने जो मिट्टी ली थी वो 500 ग्राम की लगभग थी। इसमें 3 बड़े चम्मच हमने मिट्टी डाली है लाल वाली, 3 टेबल स्पून आप बालू रेती भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून राख डालेंगे। राख से मिट्टी का लोड 4 गुना बढ़ जाएगा। राख ना होता आप राख की जगह पर बिना भूजा चूने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों सेम ही वर्क करते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए दोनों ही डालकर बता रही हूँ। ये सूखा मिश्रण है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसमें फिर पानी डाल देंगे। यहाँ पानी डालने में आपको कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से ही पानी डालिएगा क्योंकि हमें इसका मड बनाना है, अभी हम मिट्टी तैयार नहीं कर रहे हैं। ये डिस्टेंबर है और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मिट्टी में डिस्टेंबर डालने का रीज़न मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस मिट्टी में डिस्टेंबर बस तभी डालें जब आपको मिट्टी को संभाल कर कुछ दिनों के लिए रखना हो। जैसे कि आज आपने क्ले रेडी कर लिया और थोड़े खिलौने आज बना लिए बट बाकी खिलौने आपको 15 दिन बाद बनाने हैं, तो आप इसमें डिस्टेंबर डालें। उससे ये होगा कि इसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, इसमें फंगस नहीं लगेगी और आपकी मिट्टी एज इट इज़ सेफ रहेगी। कोलगेट, अब आप लोग सोचेंगे कि मैं भला कोलगेट क्यों डाल रही हूँ क्ले में, तो गाइज फ्लेवर के लिए। जी हाँ गाइज, कोलगेट डालने के बाद मिट्टी में से बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है और खिलौने बनाते टाइम बहुत ही फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। पर्सनली मुझे ये कोलगेट का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है और मिट्टी के साथ जब भी काम करती हूँ तो ये फ्लेवर आने से मूड और अच्छा हो जाता है और आप और मिट्टी में काम करने में मन लग जाता है। लास्ट में और अच्छे रेड कलर के लिए मैं इसमें गेरू मिला रही हूँ।
सेकेंड रीज़न, कोलगेट मिलाने से रखी हुई क्ले में बदबू नहीं आती। जी हाँ गाइज, जिस तरह से हमारा खाना ज़्यादा दिन तक रखने से वो बदबू करने लगता है, ऐसे ही क्ले को भी अगर 4-5 दिन या उससे ज़्यादा आप संभाल कर रखेंगे तो इसमें से बदबू आने लगती है। अब ये मड तैयार होने के बाद एक टाइम के लिए सेट होने के लिए हम रख देंगे, यानी कि अगर आपने मिट्टी को सुबह गलाया है तो रात तक इसे एज इट इज छोड़ दीजिए, और अगर आपने रात में मिट्टी को गलाया है तो सुबह तक इसको छोड़ दीजिए। तो गाइज ये देखिए, मिट्टी को मैंने कल शाम को तैयार किया था, तो आज दूसरे दिन सुबह इसे एक बड़ी लकड़ी से खूब अच्छे से घोट लेंगे एंड इसका अच्छा मड तैयार कर लेंगे। इस मड को अब हम एक न्यूज़पेपर पर डाल देंगे। आप लोगों को भी इस मड को वैसे ही न्यूज़पेपर पर डालना है जैसे कि मैं डाल रही हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपको 5 से 6 न्यूज़पेपर लेना है और उसकी एक गड्डी बनाकर रख लेनी है और उसके ऊपर इस मड को डालना है, फिर इसे ऐसे ही छोड़ देना है, इसे ठीक होने तक छोड़ना है। अब ये मड कितनी देर में ठीक होगा ये निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में मिट्टी आपने ली है और मौसम कैसा है। गर्मी के दिनों में इसे 2 से 3 घंटे लगते हैं, और चूंकि अब बारिश आने वाली है तो आपको इसे ओवरनाइट भी रखना पड़ सकता है, और अगर आप इसे दिन में रख रहे हैं तो 8 से 10 घंटे के लगभग इसको छोड़ना होगा। देखिए गाइस, ये अच्छे से ठीक हो गया है। इसको निकाल कर बहुत अच्छे से आपको कूटना है। क्ले बनाने के बाद इसकी कुटाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो क्ले बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। खिलौने बनाते टाइम फटेंगे एंड सूखने के बाद टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। यहाँ मिट्टी को कुटाई करने के लिए उसे जोर जोर से ज़मीन पर ही कूटेंगे और उसका एक क्यूब बना देंगे। मिट्टी कुटाई करने यानी कि उसे जोर जोर से ज़मीन पर पटकने का मेन रीज़न ये है कि इससे मिट्टी की डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब मिट्टी के कण पास पास आ जाते हैं, जिससे कि खिलौने चिकने बनते हैं और खिलौनों का शेप सूखने के बाद सिर्फ 10% ही छोटा होता है। अब हमारी क्ले एकदम रेडी है। अब इसे हम एक पॉली बैग में रख लेंगे। इस क्ले में ना फंगस लगेगी, ना बदबू आएगी, ना ही अपनी नमी होगी, और आप इसको आराम से 1-2 महीने सेफ रख सकते हैं और बाद में भी टॉयज बना सकते हैं। अब अगली स्टेप में हम खिलौने बनाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि मिट्टी के साथ क्या करना है। अगर आपके पास क्ले मॉडलिंग टूल्स नहीं है तो डोंट वरी, आपके पास एक पिन, चाकू, सुई और एक क्लिप होना चाहिए, इनसे भी काम आपका चल जाएगा। और साथ में एक कपड़ा जरूर रखें जो कि बीच बीच में आपकी उंगलियाँ साफ करने के काम में आएगा, और एक पानी का बाउल जरूर रखें। सबसे पहले क्ले को लेकर उसे उंगलियों में दबाएं, इससे आपको मिट्टी की सॉफ्टनेस का पता चलेगा। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप मिट्टी के खिलौने बनाएंगे तो आपको ये पता होगा कि मिट्टी को कितना दबाना है जिससे कि खिलौना अच्छा बने, यानी कि मिट्टी पर कितना प्रेशर लगाना है जिससे कि खिलौना एकदम चपटा ना हो। फिर हथेलियों से अलग अलग शेप के गोले बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर इन्हीं गोलों को चपटे करने की प्रैक्टिस कीजिए, देन क्ले को रोल करने की प्रैक्टिस कीजिए, इससे अलग अलग साइज में मोड़ने की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। गाइज ऐसा करने से जब आप खिलौने बनाएंगे तो उसको अच्छे से और क्लीन शेप दे पाएंगे। चलिए अब कुछ खिलौने बनाते हैं। याद रखें कि जिस उंगली से आप मिट्टी को प्रेस करें वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। खिलौना बनाने की प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। खिलौने बनाने की टेक्निक आप मेरी उंगलियों की पोजीशन को ध्यान से देखकर सीख सकते हैं। ध्यान रखें कि खिलौना पूरा बन जाए, उसके बाद ही आप इस पर पानी लगाएं। देखिए अगर मिट्टी की सॉफ्टनेस सही होगी और आपके फिंगर्स की मूवमेंट भी सही होगी तो मिट्टी के खिलौने बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो गाइस मैं आपको इन्हीं बर्तन में असली का खाना बनाकर भी दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। एक और बात, अगर खिलौने बिल्कुल फ्लैट हैं तो आप उन पर उंगलियों से ही पानी लगाकर उन्हें चिकना करें। अगर खिलौने में डिज़ाइन है या फिर सरफेस ऊंचा नीचा है जैसे कि इस कुकर का है, तो आप एक ब्रश का यूज़ कर सकते हैं इसे चिकना करने के लिए। पर ध्यान रखें कि ब्रश बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए और खिलौने के अकॉर्डिंग साइज़ का हो, यानी अगर आपका खिलौना छोटा है तो छोटा ब्रश आपको लेना है, और अगर खिलौना बड़ा है तो आप बड़ा ब्रश भी ले सकते हैं।
एक और बात, अगर खिलौने बिल्कुल फ्लैट हैं तो आप उन पर उंगलियों से ही पानी लगाकर उन्हें चिकना करें। अगर खिलौने में डिज़ाइन है या फिर सरफेस ऊंचा नीचा है जैसे कि इस कुकर का है, तो आप एक ब्रश का यूज़ कर सकते हैं इसे चिकना करने के लिए। पर ध्यान रखें कि ब्रश बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए और खिलौने के अकॉर्डिंग साइज़ का हो, यानी अगर आपका खिलौना छोटा है तो छोटा ब्रश आपको लेना है, और अगर खिलौना बड़ा है तो आप बड़ा ब्रश भी ले सकते हैं। तो गाइस, ये पहले से बने हुए मेरे कुछ खिलौनों का कलेक्शन है। अब स्टेप 4 में हम इनको पकाएंगे, इंक्लूडिंग हमारे वो 4 खिलौने। उन 4 खिलौनों को भी मैंने इन्हीं में ऐड कर दिया है। इनको अगर आप लपटों में पकाएंगे, यानी खिलौनों को अगर आप चूल्हे में पका रहे हैं या बाहर भी पका रहे हैं, तो आग में पकाएंगे तो 2 से 3 घंटों में ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं। एंड देखिए कितने बढ़िया से ये खिलौने पक गए हैं, बिल्कुल रेड कलर के हो गए हैं। चूँकि अभी गर्म है तो मैं चिमटे की हेल्प से इनको बाहर निकाल रही हूँ। तो गाइस देखिए, ये वो 4 बर्तन हैं जो हमने बनाए थे। ये देखिए, मैंने इनमें इसमें पानी भरा है, ये हमारी कढ़ाई है और ये हमारा कुकर। इनकी अगर पूरी आपको वीडियो देखनी है तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ छोटी छोटी क्लिप ऐड कर रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगर आप चाहें तो बिना पकाए भी इन टॉयज़ पर कलर कर सकते हैं। कलर करने के बाद ये और भी सुंदर लगते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है मैंने, खासकर बिगिनर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।